अक्ल बड़ी की भैंस। दिखने में तो भैंस ही बड़ी होती है, लेकिन ये ना दिखने वाली अक्ल जब चलती है ना, तो कैसे बड़ी से बड़ी भैंस को कंट्रोल करती है, आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी में। एक बार एक वृद्ध महिला अमेरिका के एक बैंक में पहुंची और उसने लेडी कैशियर से कहा, मुझे अपने अकाउंट से $500 निकालने हैं। लेडी कैशियर ने कहा, इतनी कम राशि के लिए आपको ATM कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। वृद्ध महिला ने सवाल किया, ऐसा क्यों? लेडी कैशियर ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैडम यह हमारे बैंक का नियम है कि यहाँ से निकालने के लिए कम से कम 5,000 से ऊपर की राशि होनी चाहिए। इससे कम की राशि के लिए आपको ATM कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। इस पर वृद्ध महिला ने कहा, पर मुझे ATM कार्ड का इस्तेमाल करने में बहुत असुविधा होती है। एक बार तो मेरा कार्ड मशीन में ही फंस गया था। किसी की मदद लेकर ATM कार्ड से पैसे निकालना मुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। इस पर लेडी कैशियर ने गुस्से से कहा, मैडम हम आपके लिए बैंक का नियम नहीं बदल सकते। नियम तो नियम होता है, और वैसे भी आपके पीछे लंबी लाइन है, कृपया मुझे अपना काम करने दीजिए। इस पर वृद्ध महिला ने पूछा, क्या मैं अपने अकाउंट के सारे पैसे निकाल सकती हूँ? कैशियर ने कहा, जी बिल्कुल। उसने वृद्ध महिला का अकाउंट बैलेंस चेक किया तो वो आश्चर्यचकित रह गई। इस बार उसने वृद्ध महिला से विनम्रता से कहा, मैडम मुझे माफ करिएगा, आपके अकाउंट में $3.5 billion हैं और हमारे बैंक के पास अभी इतना कैश नहीं है, क्या आप अपॉइंटमेंट लेके कल आ सकती हैं? इस पर वृद्ध महिला ने कहा, अभी आपने कहा था कि यहाँ से मैं 5,000 से अधिक की राशि ही निकाल सकती हूँ, तो क्या आप मुझे $6,000 दे सकती हैं? कैशियर ने तुरंत ही $6,000 निकाले और वृद्ध महिला को पकड़ा दिए। इसके बाद सोचिए उस वृद्ध महिला ने क्या किया। उसने उस $6,000 में से $500 अपने पास रखे और बाकी $5,500 फिर से कैशियर को उसके अकाउंट में जमा करने के लिए वापस दे दिए। वो कैशियर जो अभी तक बैंक के नियमों की दुहाई दे रही थी, पीछे लगी लंबी लाइन दिखा रही थी, बिना कुछ बोले उसने वो $5,500 उस वृद्ध महिला के अकाउंट में फिर से जमा कर दिए। इस काम में उसे दोहरा समय लगा, मगर वो कहते हैं ना कि जो लकीर के फकीर होते हैं वो राह निकालना जानते ही नहीं है। तो कभी किसी कार्यालय के नियम आपको भी भैंस की तरह लगे, तो आप भी इस वृद्ध महिला की तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।